सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस टाइप की वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हो, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करते रहना। तो गाइस, सबसे पहले आपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है, देन ओपन कर लेना है। अब इस वीडियो के एडिटिंग के लिए मैंने बीटमार प्रोजेक्ट और जो शेक इफेक्ट है, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इन दोनों का एक्सएमएल फाइल, फॉन्ट, सॉन्ग सबको गाइस आपको डाउनलोड कर लेना होगा, और इन बीटमार प्रोजेक्ट और प्रीसेट को इम्पोर्ट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने करना क्या, देख सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बीटमार्क मिल जाएगा, जिसमें आपको यहां पर सॉन्ग ये लिरिक्स देखने को मिल रहा है जो मैंने गाइस पहले से लिखा हुआ है, और यहां पर नीचे आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद में इधर देख सकते हो गाइस, यहां तक अपनी लिरिक्स रहेगी 12.14 सेकंड तक, और इसके बाद में इधर अपनी जितने भी ये बीट मार्क दिख रहा है, इन सभी के बीच में अपनी फोटोज को हम ऐड करेंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपने करना है कि अगर आपकी लिरिक्स की टेक्स्ट कुछ इस टाइप से नहीं दिख रहा है, तो इस फॉन्ट को आपने डाउनलोड कर लेना है और एडिट टेक्स्ट में आ जाना है। इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक करके थ्री डॉट पे आके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक करके फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट यहीं पे दिख जाएगा, नहीं तो गाइस इस फॉन्ट की जो नेम होगा आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और यानी सर्च कर लोगे फिर सिलेक्ट कर लेना, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को भी टैप कर लेना, एडिट टेक्स्ट में आपको उसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, तो कुछ इस टाइप से गाइस आपके लिरिक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इधर अपनी फोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। तो फोटोज़ ऐड करने प्लस पे क्लिक कर लेना, मीडिया की ऑप्शन में आकर अपनी गैलरी में आ जाइएगा, और गैलरी से गाइस यहाँ पर हम इमेज को टैप करके ऐड कर लेंगे, और मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक कर लेना। अपनी इमेज को हमने कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना है, या अपनी दोनों फिंगर से भी ईजिली कर सकते हो, और यहाँ पर बीच में फिक्स रख देना। अब जहाँ तक इसके बीट मार्क इस ऑप्शन में क्लिक कर लोगे आ जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस में आके नेक्स्ट इमेज को ऐड करके कुछ इस तरीके से इसे भी फुल स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, जहाँ तक बीट मार्क है आ जाना, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। तो चलो गाइस, कुछ इस तरीके से हमने पहले फोटोज़ को ऐड कर लेना है, तो चलो पहले मैं फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सभी इमेज को ऐड कर दिया है, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपने भी इमेज को ऐड कर लेना है। अब इमेज को ऐड करने के बाद में आपको एक शेक इफेक्ट प्रीसेट मिल जाएगा, उसे ज़रूर इंपोर्ट कर लेना है अपने। पहले इंपोर्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं आ जाता हूँ शेक इफेक्ट में। देखो, सबसे पहले फर्स्ट, देन सेकेंड और थर्ड, तीसरे नंबर में आपको लिरिक्स वाला इफेक्ट मिलेगा, तो टैप कर लेना इफेक्ट में आकर, थ्री डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, और अपनी बीट मार्क में आ जाना है। और उसके बाद में गाइस यहाँ पर जो भी हमने लिरिक्स यहाँ पे, सॉरी यार, दूसरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर गाइस जो भी लिरिक्स है ना, टैप कर लेना इफेक्ट में आके, थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। नेक्स्ट लिरिक्स को भी टैप करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, और नेक्स्ट लिरिक्स को भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। ठीक है, और गाइस यहाँ फिर से इस वाले लिरिक्स को भी टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेते हैं, इधर भी क्लिक कर लेना इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस टाइप से आप कर लीजिएगा। उसके बाद में प्लस में क्लिक करके एक शेप को ऐड कर लेना है, और इसे फुल स्क्रीन कर लेना। कलर एंड फिल के ऑप्शन में आकर ब्लैक कलर ऐड कर लेना, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल कर लेना। अभी शेप की ड्रेस हमने 12 सेकंड तक कर लेना, जहां तक अपनी लिरिक्स है। इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है सिंपल स्टार फील्ड। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लीजिएगा। अभी थोड़ी सी पहले तो गाइस स्केल को इंक्रीज कर लेना, थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर लेना, 0Z पे आ देना हमेशा की तरह। एक प्लस स्टार्टिंग में इसकी ऐड कर दीजिएगा, एक इसकी एंड में जाके ऐड कर देना है, और इसको आपने इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम बैक हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा देखो कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब इसी पर टैप करके इफेक्ट में आके इफेक्ट पे आना, यहाँ पर हमने सर्च कर लेना हुई शिफ्ट, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। हुई को टैप कर लेना गाइस, एक प्लस आपने स्टार्टिंग में इसकी ऐड कर देना है, और एक इसकी आपने एंड में जाके ऐड कर देना है। ठीक है, और गाइस यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, तो पहले इसको यहाँ पर प्लस पे लगा लेते हैं, और इसको करीब हमने इंक्रीज कर लेना गाइस यहाँ पे 200 फिलहाल के लिए अभी रख लेते हैं। और यहाँ पे इफेक्ट में आके सिंपल स्टार्ट फिल पे आओगे, तो कलर इसकी पहले ना गाइस यहाँ पर जो स्टार्टिंग में कलर था ना, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला कलर गाइस, इसको ये वाला कलर आपने ऐड करना है। सॉरी यार, ये कहाँ चला गया कलर,
तो भाई ये कलर ये वाला ऐड करना, हमने स्टार्टिंग हमारे लिरिक्स ये कलर है इसलिए मैं यहाँ पे ये ऐड कर लिया हूँ। अभी हम हुई शिफ्ट में आएंगे और एंड में रेड कलर है ना गाइज हमारी, तो यहाँ तक रेड तक कर लेना है ठीक है। तो मैंने ठीक ही किया था गाइज, यहाँ तक रेड तक आपने यहाँ पर रेड तक कर लेना है ठीक है। तो देखो यहाँ पर 173 के अप्रोक्स कर लेना है, तो ये कलर ऑटोमेटिक यहाँ पर रिप्लेस होता रहेगा, चेंज होता रहेगा ठीक है। देखते जैसे आपके लिरिक्स आएगा वैसे वैसे चेंज होते जाएगा ठीक है। अब गाइज हमने करना क्या है, उसके बाद में हम बैक हो जाएंगे और फिर से शेक इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, तो दो प्रीसेट मिलेगा। पहले सेकंड पे क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और अपनी बीट मार्क में आ जाएंगे। और गाइज यहाँ पर जो पहली फोटो को छोड़ देना, उसके बाद में दूसरी फोटो को हमने टैप करना, इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर देखो डबल बीट मार्क है, उस फोटो को टैप करके पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ डबल बीट मार्क है, उस फोटो को क्लिक करके टैप करके पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर डबल बीट मार्क है, इसको क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लें। जहाँ जहाँ पर डबल बीट मार्क दिखेगा वहाँ आप उन सभी फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट को ऐड कर लीजिएगा और फिर बैक होकर फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है इसको क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट में आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना। और गाइज फिर से हम बैक हो जाएंगे। अब देखो गाइज वही फोटोज बच चुका है जिस पे हमने इफेक्ट को ऐड नहीं किया है, तो हम जो फोटोज पे इफेक्ट ऐड नहीं किया जैसे स्टार्टिंग नहीं किया था तो क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। इसमें कर लिया था क्योंकि ये डबल बीट मार्क वाला है, अब इसमें नहीं किया था तो क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। फिर से इसमें कर दिया था, डबल बीट मार्क वाला है, फिर से इसमें नहीं किया था तो इधर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो कुछ स्टेप्स इधर पर कर लीजिएगा, जब इतना कर लोगे तो बैक होना शेक इफेक्ट में ना, तो ऊपर 3 HDR मिलेगा, तीनों को सेलेक्ट करके प्लस में आके कॉपी 3 लेयर करके बीट मार्क में आ जाना है आपने। पर जहां से आपकी लिरिक्स गाइज खत्म हो जाएगी वहां पे आएंगे और प्लस में आके पेस्ट लेयर कर लेना 3 लेयर्स ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो तीनों लेयर पेस्ट हो चुका है लेकिन इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, तो ये तीनों बंद होगा, तो तीनों को एक एक करके ऑन कर लेना। तो कुछ इस टाइप से आपकी वीडियो हो जाएगी गाइज। ओके फाइनली गाइज इस वीडियो को अब हमने शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके गैलरी में सेव कर लेना है, तो यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।